प्रथम तहलका न्यूज। बहादुरगढ़ में एक सिविल इंजीनियर की तेज धार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है। बता दें कि वारदात बहादुरगढ़ के ओमैक्स के बीपीएल फ्लैटों की है। दरअसल सिविल इंजीनियर का शव उसके किराए के फ्लैट में लहूलुहान अवस्था में मिला है। मृतक की पहचान मूल रूप से नारनौंद निवासी सिविल इंजीनियर विजय लोहान के रूप में हुई है। विजय लोहान बहादुरगढ़ के सेक्टर 16 में एक फुटवेयर फैक्ट्री में पिछले लंबे समय से काम कर रहा था और वह 3 साल से ओमैक्स के फ्लैट में किराए पर रह रहा था। रविवार को देर रात उसने अपने 3 दोस्तों के साथ पार्टी भी की थी, जिसके बाद से विजय को किसी ने नहीं देखा और सोमवार को देर शाम उसका शव उसी के फ्लैट से लहूलुहान अवस्था में मिला है। मृतक के दोस्तों ने ही उसके परिवार वालों को घटना की सूचना दी, जिसके बाद परिजनों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को बुलाया। फिलहाल पुलिस ने सिविल इंजीनियर के चाचा की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और शक के आधार पर पार्टी करने वाले 3 दोस्तों से पूछताछ शुरू की गई है। ये सिविल इंजीनियर हैं, प्लॉट नंबर 88, सेक्टर 16 में नौकरी करते हैं, विजय लोहान नाम से, नारनौंद हिसार के रहने वाले थे और ओमैक्स में बीपीएल के फ्लैट हैं, उन्होंने किराए पे 3 साल से रह रहा था। तो कल हमारे पास 2:30 बजे सूचना आई थी उन्हीं के कंपनी वाले जो कुलीग थे उनकी तरफ से, और ये था कि ये मृत अवस्था में फ्लैट में, तो हम वहाँ मौके पर गए तो वहाँ देखा कि उसके चोट लगी हुई थी सिर में और हाथ पे और काफ़ी ब्लड निकला हुआ था। तो ये मर्डर का मामला था। फिर उसके बाद उसके घर वाले आए हैं, उसके चाचा ने कंप्लेंट दी है जिस पे मर्डर का मुकदमा हमने दर्ज किया है, और ये भी पता चला है कि जिस रात ये मर्डर हुआ है उससे पहले रात को इसके 3 दोस्त और थे जिन्होंने इकट्ठे बैठ के शराब पी। तो उन 3 दोस्तों से भी हमारी पूछताछ चल रही है, जो अभी तक तो यही बता रहे हैं कि जी हम तो वहाँ से खा पी के ना और खाना वाना खा के हम आपस में वहाँ से आ गए थे, हमें नहीं पता इस बात का। तो हम गहनता से कर रहे हैं सारी चीज़ों को देखते हुए ना, तफ्तीश कर रहे हैं, तो जल्दी हम इसको मामले का खुलासा कर देंगे और गिरफ्तारी आरोपियों की गिरफ्तारी। दरअसल विजय लोहान करीब 9 साल से फुटवेयर फैक्ट्री में काम कर रहा था और परिजनों ने कुछ समय पहले ही उसका रिश्ता तय किया था और जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी। फिलहाल देखना होगा कि मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। प्रथम तहलका के लिए झज्जर से संजीत खन्ना की रिपोर्ट।